गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि अब आपको एक छोटा सा टाउन है जो जिस गांव में मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और उस टाउन का नाम है राजौंद। स्पेशल कुलचे, चाउमीन, बर्गर ये तो ना आजकल बड़ी आम चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए अब हम इस टाउन के बारे में बात करते हैं। ये छोटा सा एक टाउन है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो चौक आप देख रहे हैं, जिस तरफ से इसका फेस है, ये बेसिकली पश्चिम की तरफ जा रहा है, और इसके बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं, ये वाला जो रोड है ये बेसिकली पुंडरी जा रहा है। तो पुंडरी यहाँ से, हाँ ये वाला रोड जो सामने आपको जो दिख रहा है, वो जो कार खड़ी है वो वाला रोड, ये पुंडरी जा रहा है। और ये बेसिकली पुंडरी यहाँ से होगा 25 से 26 किलोमीटर के दायरे में। ये है बस, ये बेसिकली कैथल डिस्ट्रिक्ट जा रही है, कैथल से आई है, और ये असम जा रही है। तो यहाँ से असम जो है वो 13 किलोमीटर है। बस की सर्विसेज अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे सरकार के अनलॉक 4 और 5 जो हो रहा है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार अब ये जो अनलॉक है, तो बसेस की सर्विस है वो शुरू हो गई है। चलो आपको अब सिटी टूर कराते हैं। ये जो रोड है ये बेसिकली कैथल की तरफ जा रहा है, जो कैथल रोड, ये जो साइड वाला गुरुद्वारा है, ये थोड़ा सा पीछे सही है, साइड वाला गुरुद्वारा है, अच्छा नाम मैं भूल गया। तो ये वाला रोड है जो कैथल की तरफ जाता है, ये वाला टाउन की तरफ जाता है जहाँ से हम अभी आए थे। और ये पास ही में ना एक टावर है, ये मुझे लगता है टेलीकॉम का टावर होगा शायद। ये वीडियो थोड़ी रुक गई थी, कोई बात नहीं। हाँ ये वाला, ये टेलीकॉम का टावर है, ये नहीं पता मुझे कौन सी कंपनी का। आओ चलो मैं आपको ना छप्पड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पास में छप्पड़ दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा छप्पड़ है। थोड़ी सी दूरी था बस, मैंने कहा चलो वॉकिंग करके इसको दिखा देता हूँ। छप्पड़ के पास ना एक बड़ी सी मूर्ति है, वो देखो वो सामने साइड से दिख रही है ना आपको, ये किसी का द्वार है, गेट है, पता नहीं वहाँ पर क्या चीज़ थी, मुझे मैंने पूछा कि नहीं, लेकिन था कुछ ऐसा। ये देखो रेत पड़ी है पास में, ये देखो कितना बड़ा छप्पड़ है, पानी ही पानी है दूर तक। ये गेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो ये ऊपर मूर्ति बनाई हुई है, पता नहीं किसी महाराज की, किसी गुरु धर्म गुरु की होगी। तो ये कोई गेट है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि, मैंने पूछा नहीं बेसिकली क्या था ये,
हाँ ये वो रोड था जहाँ से मैं अभी आया था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भैंस कैसे नहाती है, छप्पड़ में भैंस कैसे नहाती है। एक्चुअल में इन गाँव में आपको दिखता है, और आप यूजली आप देखेंगे गाँव के अंदर किस तरह से छप्पड़ में ना भैंस नहाती है। देखो और देखो दीवार के ऊपर ना काउडंग्स हैं, तो ये इस तरह के सीन आपको अक्सर मिल जाएंगे, क्योंकि जो काउडंग्स है ना इसको यूज़ करने का तरीका इनका बहुत ही अच्छा है। देखो कैसे अभी सीन मार रही है, नहा रही हैं पानी में, आनंद ले रही हैं। डुबकियाँ मार रही हैं। तो इनके जो उस गाय के भैंस के जो ऑनर हैं वो इनको निकालने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं। बेसिकली ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये मैंने बाइक के ऊपर बनाया था, तो हम लोग तीन लोग थे जब हम ये वीडियो शूट करते। तो ये अभी कैथल की तरफ से वापस आने के बाद हम फिर से राजौन की तरफ जा रहे हैं। ये वही गुरुद्वारा है जो पहले मैंने किसी वीडियो में उस तरफ से आ रहे थे। चलो जी देख लो ये भी। ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग, ये है सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो मतलब जो भी प्राथमिक सेवाएं हैं जो भी किसी टाउन में होनी चाहिए। ये जो आगे ट्रैक्टर चल रहा है ना, ये डबल ट्रॉली है, इसमें दो ट्रॉली हैं, एक पीछे लगी हुई है एक आगे, मतलब इस तरह से सीन आपको मिल ही जाएंगे। और ऊपर आपको देखो एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो वो बता रहा है कि जींद यहाँ से कितना किलोमीटर है, और अभी आएगा देखना असम भी यहाँ से 14 किलोमीटर है, और जींद यहाँ से 35 किलोमीटर। आगे रोड है जो राइट साइड पे यहाँ पर टर्न करता है, जो एक साथ टर्न करती है, जो नीचे वाला रोड था वो जींद की तरफ होता है। ये वाला बिल्कुल सीधा रोड जो है ये असम की तरफ होता है, तो असम भी यहाँ से 14 किलोमीटर 13 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। ये है वो पिक्चर जहाँ पर हम आ जाए थे, तो यहाँ से व्यू ले लेते हैं, फिर तो उसके बाद बैक टू होम चलते हैं। ये रहा महाराणा प्रताप चौक, और उसके बाद यहाँ से हम वीडियो शूट करके वापस घर की तरफ चलते हैं। तो चलिए आई होप अच्छा लगा होगा आपको, ज़्यादा तो इसमें बोलने वाला कुछ नहीं था, बस आपको एक टाउन टूर करवाना था। मैंने सोच रखा था कि काफ़ी दिनों से ये टूर करूँगा। ये देखो ये वाला है वाटर वर्क्स, पानी यहाँ से पानी पूरे आसपास के गाँव में सप्लाई होता है, और ये है लेफ्ट साइड में जब हम जोन से वापस आते हैं, और ये राइट साइड में ये है स्कूल। स्कूल तो पीछे चला गया, लेकिन ये स्कूल का ग्राउंड है, ये स्कूल की गवर्नमेंट बिल्डिंग है। चलिए फिर यहाँ से हम लेते हैं राइट टर्न, और ये वाला फिर हमारी गांव की तरफ आता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे।